शहरी विकास आवास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में कायाकल्प इनिशिएटिव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत देश भर के प्रसिद्ध व्यक्तित्व को शामिल किया गया ताकि पूरे देश में स्वच्छता को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने कहा कि मिशन के अंतर्गत अलग अलग विभागों द्वारा विभिन्न प्रकार की पहल शुरू की गई है। इसी तर्ज पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कायाकल्प इनिशिएटिव कार्यक्रम को शुरू किया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कार्यक्रम का शुभारंभ IGMC से शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि पहल का उद्देश्य भारत में स्वच्छता को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता को बढ़ाना है। 2014 में हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा परिवर्तन, केवल राजनीति की नहीं वरन व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है। नया व्यक्ति जो है वो देश का नेतृत्व करने को आया और उस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में ही स्वच्छ भारत का जो है वो एक कार्यक्रम प्रारंभ किया। सर्वप्रथम अपने आप हाथ में झाड़ू पकड़ करके 2 अक्टूबर को ये कार्यक्रम जो है वो लॉन्च किया, जिसमें देश भर के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को उन्होंने इन्वॉल्व किया और उसके बाद जो है वो सारे देश की जनता को, विशेष रूप से स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने वाले छात्रों को इसमें इन्वॉल्व किया और स्वच्छता के प्रति जो है एक जागरूकता पैदा की, जिसका परिणाम ये हुआ कि हिंदुस्तान के गांव-गांव में शौचालय बनने प्रारंभ हुए, सब स्थानों पर जो है वो सफाई की व्यवस्था होने लगी और लोग जो हैं वो स्वयं अपने इनिशिएटिव पर जो है वो सफाई की ओर जो है प्रवृत्त हुए। इसी दिशा में ये कार्यक्रम जो है वो लगातार जो है भारत सरकार के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जाता है। प्रदेशों को अलग अलग जो है विभागों को जो है वो अलग अलग इनिशिएटिव लेने के लिए जो है वो प्रेरित किया जाता है। इसी प्रकार से इस भारत सरकार का जो एक कार्यक्रम जो है वो कायाकल्प है। ये कायाकल्प इनिशिएटिव्स के अंतर्गत जो है वो अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम जो हैं वो हमारे जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, उन्होंने अपने हाथ में लिए हैं। शिमला का हमारा जो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, ये हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रमुख प्रीमियर हेल्थ इंस्टीट्यूशन है। इसमें जो है वो बहुत छोटे से स्तर से जो है एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन हुआ है और आज जो है वो इसकी शाखाएं केवल मात्र कमला नेहरू हॉस्पिटल तक ही नहीं परन चम्याना में जो है वो सुपर स्पेशलिस्ट जो है वो हॉस्पिटल तक जो है बढ़ गई हैं। इसलिए सफाई का विशेष जो है वो ध्यान भी रखना पड़ता है, प्रावधान भी करना पड़ता है। पेशेंट्स का जो इनफ्लो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक एक बेड पर जो है कई बार दो दो पेशेंट्स को जो है वो एकोमोडेट करना पड़ता है। इसलिए सफाई व्यवस्था जो है वो एक चैलेंज जो है वो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बन जाता है। मैं बधाई दूंगा IGMC के प्रिंसिपल जो हैं अपनी डॉक्टर सीता ठाकुर जी, हमारे जो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ मेडिकल हॉस्पिटल हैं श्री डॉक्टर जनक राज जी और श्री डॉक्टर राहुल गुप्ता जी, इन सब ने जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन कि अलग अलग जो है शाखाओं को बहुत अच्छी प्रकार से जो है वो हैंडल करना और इसको ठीक करने का काम अपने हाथ में लिया है। उसी कड़ी में हॉस्पिटल को स्वच्छ बनाने की दिशा में मेडिकल कॉलेज भी जो है वो भी इस सारे अभियान में जो है एक पार्ट बने, उसके अंतर्गत जो है वो ये कायाकल्प इनिशिएटिव लिए हैं। इसके अलग अलग जो है 4-5 इन्होंने थीम्स भी रखे हैं, उसके मुताबिक जो है इसमें काम जो है वो कर रहे हैं। सारे हॉस्पिटल प्रीमिसिस की जो है वो सफाई का अभियान चला रखा है और उसमें जिस भी प्रकार से जो है वो इस इंस्टीट्यूशन को जो है वो बेहतर बनाया जा सके ताकि बेहतर ढंग से जो है जनता की सेवा की जा सके, उसके जो है वो इसके लिए जो है वो काम हो रहा है। इसमें जो है वो कोई चीज़ बनानी हो इन्होंने तो उसको मैं विधायक निधि से जो है वो 5 लाख रुपए
जो है वो उनको दे रहा हूँ। स्मार्ट सिटी का ये अंतर्गत है ये, उसमें अगर कोई स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो है इस हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ी पार्किंग बना रहे हैं एक साइड को, और दूसरी पार्किंग जो है वो निचली साइड को जो है वो बन रही है, और आपने देखा होगा सारे सड़कें भी चौड़ी हुई हैं, जो कैंसर हॉस्पिटल की ओर से रास्ता आता है वो पूरा का पूरा जो है वो चौड़ा हुआ है, और संजौली से IGMC तक जो है वो हम स्मार्ट पाथवे बना रहे हैं जो बहुत ही खूबसूरत भी होगा, और इस हॉस्पिटल में पेशेंट्स को आने जाने के लिए, स्टाफ को आने जाने के लिए बर्फ़ के मौसम में भी जो है अगर गाड़ी भी ना भी आ सके तब भी वो पैदल जो है वो बिना छाते के आ सकेंगे, ऐसी व्यवस्था जो है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इसमें की जा रही है, और बाकी भी जो है इसमें किसी प्रकार की आवश्यकता होगी उसको पूरा जो है किया जाएगा।